स्पॉन्सर आज का रिस्पॉन्स के बाद मेरे पास एक ही लफ्ज है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे, और सब लोगों को जब ये पता चलता है कि हमारे को अमन की जिंदगी चाहिए, हमें पीसफुल लाइफ चाहिए, उसके लिए हर जगह लोग इकट्ठे होते हैं। और ठीक है, कुछ लोग डरते भी हैं, लेकिन जो डरते हैं वो भी हमारे अपने हैं। और जिनके साथ ये जिस तरह का ये जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरीके से ये मासूम लोगों को मारा जा रहा है, और हमारे मुल्क में जो हमारा ये मुल्क सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, सबको बराबर रहने का अधिकार है। कश्मीरी पंडितों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर उतना ही रहने का अधिकार है जितना यहाँ के कश्मीरी मुस्लिम्स को रहने का अधिकार है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी, सब भारतीय हैं। और हमको क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, देखिए हम लोग जब भी काम करेंगे, हम किसी पार्टी के फेवर में कभी नहीं बोलते, हम जब भी काम करेंगे इस देश के हक में बात करेंगे। जो पार्टी, जो लोग, चाहे किसी भी तरह, किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी सियासी जमात हो, उन सबको हम ये कहते हैं कि अगर अच्छा देश के लिए काम करेंगे मुस्लिम राष्ट्रमंच आपके साथ है, और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो मुस्लिम राष्ट्रमंच आपके खिलाफ है, आपके साथ नहीं हो सकता किसी भी। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो अध्यक्ष हैं वो आए थे यहाँ कश्मीर में, और इन्होंने कल जो है एक बड़े पैमाने पे एक कन्वेंशन किया था जिसमें एक बड़ी तादाद जो है यहाँ के अवाम की जो है उसमें देखी गई। और ना सिर्फ ख्वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब उस कन्वेंशन में जो है शामिल हुए थे। और आज जो है, हालांकि इस रैली का जो, इस मार्च का जो कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इस मार्च के हवाले से जब हमने इनसे बात की तो इनका मानना है कि कल का जो कन्वेंशन था वो लोगों को जागरूक करना था, और आज का जो ये मार्च है इसका मकसद ये है कि जो है एक एहतजाज जो है दर्ज किया जाए और सरकार तक और उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए जो इनोसेंट किलिंग करते हैं। इनका मानना है कि हमारे संविधान में हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और पूरे हकूक के साथ जीने का पूरा हक है। और इसी हवाले से, इसी मैसेज के साथ जो लोकल्स हैं उनके साथ बातचीत की, उनके जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको जानने की कोशिश की, और आज जो है उसी हवाले से अपनी रिप्रेजेंटेशन को जो है आज यहाँ घंटाघर के पास इन्होंने एहतजाज किया और एक शांति मार्च जो है वो निकाला, ताकि सरकार तक ये मैसेज पहुँचे कि